सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी M02 के बारे में। तो सैमसंग ने जनवरी के स्टार्टिंग में ही अपना सैमसंग के M सीरीज में एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन लॉन्च किया, जो कि था सैमसंग का M02S। अभी आप लोगों को ये स्मार्टफोन ऑनलाइन बोल लीजिए या फिर ऑफलाइन मार्केट में रिटेल शॉप में बोल लीजिए, आपको सैमसंग का M02 कहीं भी से भी इजीली मिल जा रहा है। तो अभी और उससे सस्ता यानी कि उससे कम दाम का और एक स्मार्टफोन जो कि मेरे ख्याल से सैमसंग के M01 का सक्सेसर बन के आएगा, ये होगा सैमसंग गैलेक्सी M02। सैमसंग गैलेक्सी M02 का ऑफिशियल लॉन्च डेट भी यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है, 2 फरवरी को ये स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज जो बजट के होते हैं वो काफ़ी सही होते हैं, क्योंकि उस प्राइस कैटेगरी में 10,000 के अंदर, मतलब जो स्पेस सैमसंग अपने बजट कैटेगरी में दे रहा है काफ़ी अच्छा है। और सैमसंग गैलेक्सी M02 का जो स्पेस है वो मेरे ख्याल से काफ़ी सही है। डेफिनेटली प्राइसिंग जो है बताया जा रहा है कि जो 2GB 32GB हो सकता है उस स्मार्टफोन की प्राइसिंग लगभग 7,000 रुपये से यहाँ पर होने वाला है। तो 7,000 रुपये को देखते हुए ये फ़ोन सही लग रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6.5 इंचेस का, जी हाँ, आप लोगों को एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा 6.5 इंचेस का। ये HD+ डिस्प्ले होगा, तो ये आप लोगों को पता है कि सैमसंग यहाँ पर तो फुल HD देगा नहीं, तो आप लोगों को HD+ का ही डिस्प्ले यहाँ पर मिलेगा। लेकिन 6.5 का आपको डिस्प्ले साइज मिल रहा है, जो कि उस प्राइस कैटेगरी में मेरे ख्याल से सही रहने वाला है। बैक साइड में आप लोगों को डुअल कैमरा का सेटअप मिलेगा, हालांकि इस स्मार्टफोन में आप लोगों को फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा लेकिन फेस लॉक मिलने वाला है। डुअल कैमरा का सेटअप मिलेगा 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, और ये 2 मेगापिक्सल का आप लोगों को माइक्रो लेंस मिलने वाला है, और सेल्फी के लिए आप लोगों को 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन में मिल जाएगा। मीडियाटेक का MT6739 का आप लोगों को SoC मिलेगा इस स्मार्टफोन में, और 2GB 3GB का ऑप्शन होगा, तो आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसकी तरफ यहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। 5000 mAh की बैटरी मिलेगा, तो नो डाउट जो 7000 का प्राइस कैटेगरी है वहाँ पर आप लोगों को 5000 mAh का बैटरी दे रहा है, और यहाँ पर आपको 7.75 वाट का चार्जर देखने को मिल जाएगा। जो प्राइसिंग है वो 7000 रुपीस होने वाला है, तो मेरे ख्याल से उस प्राइस कैटेगरी में ये एक सैमसंग का अच्छा बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन बन के सामने आएगा। तो अभी आप लोगों को पता है कि सैमसंग के 10000 के नीचे आप लोगों को 4 स्मार्टफोन मिलता है, 4 या फिर 5 स्मार्टफोन मिलता है। सैमसंग गैलेक्सी M01 कोड, सैमसंग गैलेक्सी M01, सैमसंग गैलेक्सी M01S और M11, और अभी उसी में शामिल हो गया है सैमसंग का M02S। अब आ रहा है सैमसंग का M02, जो कि इंडिया के अंदर 2 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा, और प्राइसिंग जो है वो 7000 रुपये से यहाँ पर होने वाला है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा ये स्मार्टफोन रहेगा बजट कैटेगरी को देखते हुए। एंड्रॉयड का आप लोगों को 10 मिलेगा, लेकिन नो डाउट इस प्राइस कैटेगरी में जो फीचर्स यहाँ पर सैमसंग दे रहा है एक बजट कैटेगरी को देखते हुए मेरे ख्याल से काफ़ी सही है। हालांकि फेस लॉक नहीं, फिंगरप्रिंट नहीं है, लेकिन फेस लॉक आप लोगों को मिल रहा है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।